हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो अभी मैं जस्ट ही कल शायद मैं आप लोगों के ग्रुप से लेफ्ट हो गया, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ग्रुप से लेफ्ट हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि क्यों हुए, क्या हुआ सर। तो ऐसा आप लोग अपने मन के बातों से हटा दें, मुझे अभी कोई काम है जिसके कारण बस मैं जरूरी काम में हूँ, इसलिए मैं लेफ्ट हुआ। थोड़ा सा मुझे रिलैक्स चाहिए था तो इसलिए मैं ग्रुप से लेफ्ट हुआ। मैं आपके साथ जल्द ही 10 तारीख के बाद से मैं जुड़ जाऊंगा और आप लोग का रेगुलर सब कुछ चलते रहेगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, आप लोग सब एग्जाम का टाइम है, एग्जाम एकदम नजदीक है, तो इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि जैसे सर हम, कोई कह रहे हैं कि सर हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कोई कह रहे हैं कि एग्जाम में सर क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। ये सारे प्रश्न को लेकर के मैं इससे पहले भी आपको बहुत सारे वीडियो में बहुत अच्छे तरह से बता चुका हूँ कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन मैं फिर से एक बार आज डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों के प्रति मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम में नंबर्स अगर आप हाई नहीं स्कोर कर सकते, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नंबर्स ही आपके जिंदगी को तय करेंगे कि क्या है नहीं है, पर नंबर्स भी कहीं पे ना कहीं पे किसी भी फील्ड में आपको एक स्पेसिफिक देते हैं। जैसे एनटीपीसी का जॉब में अगर आप जाना चाहते हो तो वहां पे मिनिमम 70% ओवरऑल होना चाहिए। जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड हो गई, एयरफोर्स हो गई, तो ये सब जो होता है नंबर बेसिस पे ही वो अपना कट ऑफ तय करती है, तो इसलिए नंबर भी जरूरी है। और ये प्रयास करना चाहिए अपने स्तर से, तो ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि सेमेस्टर लाइफ में जितना भी ज्यादा स्कोर कर सके, क्योंकि पढ़ना आपको है और पढ़ना तो जरूरी है। आप आज पढ़ो या कल पढ़ो, पढ़ना तो पढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए आइए डिटेल में मैं बताता हूँ कि कैसे आप सेमेस्टर की तैयारी, देखिए अब प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला डिस्कस, ये नहीं समझ में आता कि कौन सा पेपर पढ़ें, कौन सा पेपर छोड़ दें, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दिन भर के बिजी लाइफ में अपने आप को पढ़ाई के अनुसार ढाल पाना ये संभव नहीं हो पाता, और ये संभव नहीं हो पाता इसमें कैसे मेंटेन रखें, पढ़ाई के साथ साथ अदर वर्क वगैरह ये सबको कैसे एक साथ करके ले चले ये समझ में नहीं हो पाता, इसमें भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद थर्ड क्या होता है, पढ़ाई भी करना है सर, हमको फैमिली में भी देखभाल करना है, फैमिली का वर्क भी करना है, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सारे प्रॉब्लम को लेकर के भी अभी हम मैं बात करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। चौथी क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई स्टूडेंट को किसी, जैसे 5 पेपर है हमारा सेमेस्टर का, 2-3 पेपर होते हैं जो कि उनके अच्छे पेपर होते हैं, उनमें वो मजबूत होते हैं और उसी पेपर में लगे रह जाते हैं, बाकी अदर जो उनका वीक पोर्शन होता है, वीक सब्जेक्ट होता है, उसमें वो टाइम ही नहीं दे पाते, तो ये भी एक सबसे बड़ी खामियां हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके दिन में आते रही हैं। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर ठंड का सीजन है, सुबह में उठने में परेशानी होती है, रात को देर रात तक पढ़ने में परेशानी होती है, तो ये इसको कैसे आप संभाल सको, रात को नींद आती है, बारिश ठंड का दिन है तो पानी भी नहीं मार सकते, तो इसका भी मैं रिजल्ट बताऊंगा, क्योंकि हम लोग के साथ भी ये परेशानी होती थी, तो उसका हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था, उसका सॉल्यूशन निकाला था। तीन सारी बातों को लेकर के मैं आपके पास आज बताने जा रहा हूं कि किस तरह से इस लास्ट 20-30 दिन जो आपके बचे हैं, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक आप लोग का एग्जाम तो कन्फर्म होने वाला है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, बस आपका एक और नोटिस आएगा फॉर्म भराने का बस, और उसके बाद फॉर्म भराएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड, और उसके बाद आपका रूटीन एग्जाम का। तो चलिए आइए सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम कि कैसे, मतलब कि 5 पेपर क्यों कंप्लीट करना चाहिए, हमें क्यों 5 पेपर पे फोकस करना चाहिए। देखिए हमारे अंदर, देखिए इस हाथ में अगर 5 उंगली है, अगर एक उंगली अगर इसमें से कोई भी डैमेज हो जाता है, 1 उंगली या 2 उंगली डैमेज हो जाता है, तो क्या ये 3 उंगली मिल करके जिस तरह से हम लोग इस 5 उंगली वाले हाथ से सारा वर्क अच्छे से कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे नहीं, इसमें तो हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों, कैसे हो सकता है सर, पॉसिबल हो सकता है? तो सेम टू सेम उसी तरह से आपका जो 5 पेपर है, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और एक आपका क्या पेपर हो गया, मेजरमेंट 2, ये 5 पेपर आपके 5 उंगली के समान है और ये हैंड है। इन 5 पेपर पे अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ अपना माइंड सेटअप करके उसको पढ़ोगे तभी आप
हाई स्कोर कर सकते हो इस सेमेस्टर एग्जाम में। किसी एक पेपर में भी अगर आपका मार्क्स कमेगा, आपका ओवरऑल मार्क्स कमेगा। और ऐसा नंबर क्यों लाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 to 5 सेमेस्टर, 1 to 5 सेमेस्टर में जितने आप स्कोर करते हो उसका 40% नंबर आपके लास्ट सेमेस्टर में ओवरऑल जो रिजल्ट बनता है उसमें आपको ऐड होता है। तो इसलिए 1 to 5 में आपको नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर लाइएगा तभी आप वहां पे आपका स्कोर बन पाएगा। तो ये हो गया ये बात है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, तो ये इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका क्या है नहीं है, कैसे बनाना है। जैसे आप पांचों पेपर को हम किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें सर, कहां से कंटेंट लाएं सर, तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को लेकर के हम लोगों ने आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे 1 to 5 सारे पेपर का सारा आपको पेपर का जितना भी हो सकता है, जिस तरह से भी हो सकता है, जिस तरह से भी हो सकता है, उसको हम लोगों ने अपने स्तर से बताने का प्रयास किया है। तो जिसमें से आप लोगों को टेलीविजन इंजीनियरिंग हो गया, मेजरमेंट 2 में 2 यूनिट मैंने बताया है, लेकिन और भी ट्राई करूंगा कि और भी सारे का वीवीआई क्वेश्चंस आपको करा दिया जाए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, टेलीविजन का पूरा वीडियो बना करके रखा हुआ, और वो सारा वीडियो में आपको वीवीआई क्वेश्चंस ही बताया गया। तो आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो। वहां पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के आप यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाना है। अगर आप उस लिंक पे भी नहीं जा पाते हो तो आप सीधा सीधा द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करिए, और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद पॉलिटेक्निक क्लासेस का आपका लोगो देखने को मिल जाएगा, लोगो में आप लोगों ने देखा ही है। उस लोगो वाले चैनल पे जैसे ही क्लिक करोगे वहां से आपको प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको सारे विषय का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसमें सारा कंटेंट उसमें दिया हुआ है, चाहे वो टेलीविजन का हो, रेडियो का हो, या फिर 6 सेमेस्टर एडवांस कम्युनिकेशन वाला मेरे रडार एंड सैटेलाइट का दिया हुआ है। तो ये सारे कंटेंट जो भी दिए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के वीवीआई क्वेश्चन का ही सोल्यूशन है, जो कि आपके हर एक यूनिट वाइज दिए हुए हैं। उसमें मैंने बताया है कि उसको कैसे याद रखना है, किस तरह से इसको रिवीजन करना है। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग पेन पेपर का जितना साथ रखोगे अपने साथ, देखिए मोबाइल का युग है, इस पे भी आप पढ़ते हो, देखते हो वीडियो, लेकिन उससे देखने के बाद उसको पेन पेपर से आप लोग जरूर रिवीजन किया करो, एक बार, दो बार, तीन बार। क्योंकि आपको मैं बता दूं, सेमेस्टर एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो आपको मोबाइल पे लिखने के लिए नहीं आएगा, मोबाइल से टिक आउट करने के लिए नहीं आएगा, उसको आपको पेन पेपर पे ही लिखना है। तो पेन पेपर के साथ जितना दोस्ती बना करके रखिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर आप लोग कहते हैं सर इतने सारे पेपर हो जाते हैं, इतने सारे ब्लॉक डायग्राम हो जाते हैं सर, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका भी सोल्यूशन मैंने पहले भी बताया, आज फिर से बता दे रहा हूं, ग्रुप डिस्कशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी यूजफुल है आप लोगों के लिए। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, तो कोई आप लोग 2-3 कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी हो तो आपके सेमेस्टर के अपने दोस्त वगैरह नहीं है, तो उन दोस्तों को एक जगह इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आप कोई भी टॉपिक डेली आप लोग रख सकते हैं अपने अनुसार, कि मैं आज रेडियो का, आज टेलीविजन का, इस यूनिट का, मुझे इस यूनिट पे पढ़ करके आइए, और पढ़ने के बाद आपस में पूछताछ करिए। तो इससे क्या होगा कि उस यूनिट का, उस टॉपिक का आपके पास जो नॉलेज है उसके पास जाएगा, उसके पास जो नॉलेज है आपके पास आएगा, आपके आप उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जान रहे होंगे, वो कुछ नहीं जान रहा होगा, तो वो एक दूसरे से क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो ये सबसे बेस्ट हो गया आपका ग्रुप डिस्कशन, बहुत ही मस्ट है, इससे आपको बहुत ही मुनाफा होने वाला है। जो कंफ्यूजन हो जाता है ना किसी टॉपिक को लेकर, वो आपका दूर हो जाएगा। ये हो गया। फिर आपका थर्ड आ गया है कि जैसे सर ये ठंड के मौसम में कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए। तो देखिए सबसे पहले तो पढ़ाई कब होती है, जब आप खुद को फिट रखोगे। फिट करने का मतलब आप आलसी हो, कैसे आलस क्यों आते हैं आपको मैं बता दूं, डेली रेगुलर उठ करके आप कहीं पे घूमने नहीं जा सकते, टहलने नहीं जा सकते, 5-10 मिनट 15-20 मिनट आधा घंटा अपने छत पे, चाहे पे आप घर पे हो तो अपने बरामदे में, या फिर कहीं पे भी आप अपना फिजिकल वर्क किया करो। फिजिकल वर्क करने का मतलब जैसे एक्सरसाइज वगैरह ये सब हो गया, तो ये सब एक्सरसाइज वगैरह ये सब करने से क्या होता है, तनाव से मुक्ति होती है, जो आप टेंशन लिए रहते हो उससे मुक्ति मिलेगी, आपके में जो आलस से बना हुआ है उससे आप बाहर आओगे, एक रूटीन आपका बन जाएगा कि मुझे सुबह उठ करके व्यायाम करना, उसी बहाने आप उठ तो पाओगे। तो देखिए उसको माइंड फोकस कीजिए, या फिर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप ये मन में लाओ कि मुझे इस सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, उसके लिए आपको उठना है। कोई पॉइंट गोल आप सेटअप करोगे तभी उस पर आप वर्क कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, स्फूर्ति आएगा। और हाँ, खाने पीने पर अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी समय है बीमारी का,
देख ही रहे हैं, ठंड थोड़ी सी लग जाती है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो आपका अगर तबीयत भी खराब होता है तो इससे आप पे पढ़ाई पे इफेक्ट आएगा। तो इसको बरकरार रखिए। खाने पीने में कुछ फ्रूट वगैरह ये सब ले सकते हैं तो लीजिए, और नहीं ले सकते हैं तो रेगुलर वाइज खाइए। ये नहीं कि टाइम, जैसे आप 10 बजे खाते हो तो 10 बजे ही खाना खाओ, टाइम से, कहने का मतलब जो भी खा रहा हो टाइम से खाओ। 10 बजे एक बार खाते हो तो 10 बजे ही खाओ, शाम में नाश्ता करते हो 7 बजे तो 7 बजे ही खाओ। ये नहीं कि एक दिन 12 बज रहा है, एक दिन 9 बज रहा है, तो इससे क्या होता है, इरेगुलेशन होता है बॉडी को। अगर टाइम टू टाइम जो भी खाना आप मिल रहे हो, अगर अच्छा यूनिट मतलब कि जो भी दाल भात चोखा यही खा रहे हो, तो ये भी अगर आप टाइम से खाओगे तो वो बॉडी अपने आप को मतलब कि कर लेता है कि मुझे इतना ही मिलेगा, इतने में हमको दिन भर चलाना है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो इससे आपको ये सेटअप हो जाएगा। तो ये तो हो गया, पढ़ाई की बातें हो गई, और इसको अपने जीवन लाइफ को कैसे रखना है, हैंडल करना है। अब आते हैं फैमिली से रिलेटेड। जैसे देखिए, जितना जरूरी आपका पढ़ाई है उतना जरूरी आपकी फैमिली भी है, तो ये फैमिली रिलेशनशिप भी आपको मेंटेन करके रखना है। अपने स्तर से जितना भी हो सके इनको मेंटेन करके रखिए। ये लाइफ ही ऐसी है कि इसमें आपको सब जगह सब तरह से सब कुछ को मेंटेन करके जो आगे बढ़ रहे हैं वही लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो इसका ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और मैं जल्दी आप लोगों के साथ हर एक टॉपिक का डिस्कशन को लेकर के किसी तरह का प्रॉब्लम आपको साथ जल्द ही जुड़ूंगा। 10 तारीख के बाद मैं आपके साथ रेगुलर हो जाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को और भी जितनी सारी प्रॉब्लम है उसको मैं दूर करूंगा। तो देखिए, कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मोटिवेट कैसे हूं, तो देखिए मोटिवेशन है आपके अंदर, आपके अंदर मोटिवेशन छुपा हुआ है, बस उसको आपको जगाने की जरूरत है। आप बताइए कैसे, आप बताइए कैसे कैसे ये जगेगा। तो मैं बताता हूँ, अभी अभी पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को बहुत ही कम नंबर, किन्हीं किन्हीं को बहुत अच्छे नंबर भी मिल गए, किन्हीं किन्हीं को कम नंबर मिल गए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे इससे अच्छा तो ऑफलाइन एग्जाम ही था। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आता है, आपको उसी नंबर को जो पिछले सेमेस्टर में आपके कोरोना काल के कारण ऑनलाइन एग्जाम के कारण आपके कम गए हैं, उसमें आपको एक ज्यादा करना है, उसको मेंटेन करना है जो पिछले में कम गए। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कैसे, क्या कैसे, कहां से क्वेश्चन आता है, वो सारा आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप पढ़िए ना, आपके पास पढ़ने की बस एक वजह होने चाहिए, उसके बाद आप पढ़ सकते हो, और बिना पढ़े बाबू कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए हम आप लोगों के लिए अपने हक की लड़ाई में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए जॉब कैसे आता है, आती है वैकेंसी बहुत, नंबर ऑफ कम होती है, पर उसमें हम लोग कुछ सुधार करने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका भी आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पे मिलते रहा है। राज सर ने एक डेट रखा है, उस डेट में क्या रखा है, तो 8/12/2020 को 9 बजे ट्वीट करने का है। किस तरह से कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो और भी कुछ प्रॉब्लम है, देखिए पढ़ते रहिएगा। देखिए काम पढ़ना कभी बंद नहीं हो सकता, और खास करके अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, आप अपने अंदर कुछ चेंजिंग ला सकते हो, तो लर्निंग पीरियड अब हमेशा जिंदगी भर चलते रहेगा, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, चाहे अपने दोस्तों से सीखो, किसी टीचर से सीखो, या फिर कहीं से भी सीखो। ये सीखने की प्रक्रिया आप जारी रखोगे, आप अपने लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होगे। और ये कभी भी मन में डॉट नहीं लिया करो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ मन की गलत बातें हैं। और ये मन पे जब तक यह हावी रहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है मैं क्यों पढ़ूं, आप पढ़ोगे ही नहीं, तो इसको दूर करिए और अपना टाइम पढ़ने में व्यस्त रखिए। जितना आप सोचते हो इसके प्रति कि एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के मैं क्या करूंगा, उतना टाइम अगर आप इसमें पढ़ाई करने में, इसके स्टडी में लगाओ, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपको ऐसे ऐसे टीचर हैं, मेरे टीचर हैं, मैं अपने टीचर्स की को आपको कभी ना कभी इस यूट्यूब चैनल पे जरूर मिलवाऊंगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो BSNL, NTPC, आपका कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, रेलवे में जेई हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कराती है। तो इनसे आप टेंशन मुक्त रहिए। अभी आपका पूरा का पूरा वर्क है क्या, पढ़ना। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है, डिप्लोमा, खास करके डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है, गागर में सागर। जादू वाले पास जाते हो तो क्या दिखाता है, गागर रहता है, उसमें से कितना भी पानी निकलता ही नहीं है। सेम टू सेम वही है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना बड़ा इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है जो आपको 3 ईयर में कंप्लीट करने को कहता है। तो जैसे ही आप, जैसे मैं अभी तक बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ कंपटीशन लेवल का, चाहे DRDO हो, MTA, DRDO हो, DMRC हो,
LMRC हो या फिर आपको नोएडा मेट्रो हो, ये सारे एग्जाम में तो कभी मैं पढ़ के गया, डिजिटल अच्छे तरह से पढ़ के गया, पता चला कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ गया, कम्युनिकेशन अच्छे तरह से कवर करके गया, पता चला डिजिटल से क्वेश्चन आ गया, डिजिटल और कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ के गया, पता चला एनालॉग से क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ओवरऑल जितने भी आप लोगों ने सेमेस्टर में पढ़े हैं क्वेश्चन उसी से आते हैं, पर उसमें से भी कुछ अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि आप अगर ये डिप्लोमा लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तभी आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हो और उसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो पढ़ना तो जरूरी है और ये पढ़ना आपको पड़ेगा ही। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे।